नमस्ते, आज हम फिर से संगीत की दुनिया में कुछ नई नई बातों को लेके आए हैं आपके लिए। मैं हूँ संचिता दीदी आपकी, और मैं आपको कुछ और अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बताऊंगी, और आप किस तरह अपने गायन को और बेहतर बना सकते हैं वो बातें भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है स्टेज पे किन किन बातों का बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखना। पहला, बिहेवियर। एज अ सिंगर आपको अपने बिहेवियर पे बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही तमीज़ से पेश आना चाहिए, हमेशा कंपैरिजन कंपटीशन में नहीं रहना चाहिए, और ऑर्गेनाइज़र्स की बात ज़्यादातर मानने की कोशिश करें। हो सकता है आपका नंबर 1 पे गाना था और किसी वजह से वो 2 या 3 पे रख देते हैं, 5 पे रख देते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स खाली आपका गाना नहीं देख रहे, वो एक एज अ होल प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं, जबकि आपको केवल आपके गाने पे ध्यान देना है। तो आप वही करिए, आप अपने फोकस को अपने गाने पे ही रखिए। जब भी जाएं स्टेज पे तो बस अच्छा गा के आएँ, ये आपका काम है। दूसरी बात, आपको कभी भी कोई भी स्किल जब आप सीख रहे हैं, आपको थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर बाल कटाएं, अपना ध्यान रखिए, और ध्यान कैसे रखना है, फिज़िकली इमोशनली मेंटली अपने को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि वही एनर्जी आप अपने ऑडियंस को देंगे। आपको एक हैप्पी पर्सन होना है, क्योंकि आप एक एंटरटेनर हैं, म्यूजिशियंस आर एंटरटेनर्स, तो आप वो पॉजिटिविटी आपकी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। तीसरी बात, आपको अपने कपड़े क्या पहने हैं आपने वो ध्यान देना है। बहुत ही सुंदर होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, हैप्पी कलर्स होने चाहिए, और तमीज़दार कपड़े होने चाहिए। उससे फर्स्ट इम्प्रेशन जो आप जैसी स्टेज पे जाएंगे, आपका आपके कपड़ों से भी काफ़ी इम्प्रेशन पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, यू विल बी फीलिंग गुड, आपको अच्छी फीलिंग होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है अच्छा गाना गाने के लिए। चौथी बात, बहुत ही तरीके के जूते पहनिए। ज़रूरी नहीं है कि हील्स पहने जाएं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बूट्स पहने जाएं जो आपको चलने में परेशानी हो रही है जिनसे, तो बहुत ही कंफर्टेबल स्लीपर्स, हील्स, जूते जो भी लें, पहले से पहन के देख लें, ध्यान दीजिए कि आपको कंफर्टेबल होना है। जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आप एज अ टीम काम करें, यह है पांचवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एज अ टीम काम करें, वो जो ऑर्केस्ट्रा है वो आपके अगेंस्ट नहीं बैठा, वो आपकी ही टीम है, आपको उनके साथ मिल के काम करना है। वहाँ जाके खड़े होके आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उसके लिए आपको क्या करना है, प्लान। अगर आप पहले से प्लान करते हैं, आपको आपका स्केल पता होना चाहिए, या आपको अगर पता है तो ऑर्केस्ट्रा को भी पहले से बता दीजिए मेरा ये स्केल है। बेटर है कि उन्हें पहले से पता हो, जिससे स्टेज पे जाके कुछ भी, कई सिंगर्स बातें शुरू कर देते हैं, डिस्कशन शुरू कर देते हैं, इस तरह की कोई चीज़ ना हो। जैसे ही आप स्टेज पे जाते हैं, आपका पूरा फोकस एंड अटेंशन होना चाहिए आपके ऑडियंस पे। सिक्स्थ पॉइंट है कि आपका जो ऑर्केस्ट्रा है उसके साथ आपको पहले से रिहर्सल कर लेना चाहिए। हमेशा आप जिस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं वो आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो दिखता है, तो हमेशा आप पहले से प्रैक्टिस कर रहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। और क्रिटिसाइज़ नहीं करें ऑर्केस्ट्रा को अगर उन्होंने थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दिए। एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर आपको लीड लेना है, किस स्पीड में आप गाना गाएंगे वो आप बताएंगे अपने हाथों या पैर के थाप से, आप ताल देके उन्हें बता सकते हैं, स्टेज पे भी बता सकते हैं, तो
वो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एक लीडर के जैसे भी काम करना है। आप आगे भी ऑडियंस को भी संभाल रहे हैं और पीछे ऑर्केस्ट्रा को भी संभाल रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हर स्टेज इम्पॉर्टेंट है, छोटे से छोटा स्टेज मिले ज़रूर जाएं और वहाँ एक्सपीरियंस गेन करें। हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। नो स्टेज इज़ टू स्मॉल फॉर एन आर्टिस्ट। तो आप हर अपॉर्चुनिटी को लें, स्टेज पे जाएं और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। और जब गाना गा चुकें तो उसके बाद ग्रैटिट्यूड थैंक यू ज़रूर बोलें ऑर्केस्ट्रा को और अपनी ऑडियंस को। फल लदा वृक्ष झुकता है, तो जितने आप अच्छे बनते जाएं उसमें साथ में ईगो नहीं बढ़ती जानी चाहिए, बल्कि आपको और ह्यूमिलिटी और हम्बिल होना है आपको, और थैंकफुल होना है गॉड को और यूनिवर्स को कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं, आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ते जाना चाहिए। तो आप जब जैसे जैसे थैंकफुल होते चले जाते हैं, उस तरह की जो एनर्जी है वो आपकी गायकी में दिखाई देने लगती है। आप हैं ग्रैटिट्यूड में और वो फ्लो मेंटेन होगा और आप और भी बेहतर गाना गा सकेंगे। तो इन बातों का स्टेज पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तब तक के लिए नमस्ते।